अगर मैं आपसे कहूं कि जो बैटरी हेल्थ और बैटरी कैपेसिटी आप अपने आईफोन पे देख रहे हैं वो कम्प्लीटली गलत है, तो आप कैसा फील करेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैटरी हेल्थ के बारे में और बैटरी कैपेसिटी के बारे में, कि आप कैसे जान सकते हैं अपने आईफोन की एक्यूरेट बैटरी कैपेसिटी या बैटरी हेल्थ, और वो भी शॉर्टकट से। तो यार क्या हाल है, एंड वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूं डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर यहां पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो यूजुअली बैटरी हेल्थ या बैटरी कैपेसिटी चेक करने के लिए हम जाते हैं सेटिंग्स ऐप में, उसके बाद जाते हैं बैटरी वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। इस पे हम करते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है मेरे आईफोन 14 प्रो की वो अभी भी 100% है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो बैटरी हेल्थ और बैटरी कैपेसिटी हमें सेटिंग्स ऐप में देखने को मिलती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। अगर आपको जानना है अपने आईफोन की असली बैटरी कैपेसिटी और बैटरी हेल्थ, तो आपको डाउनलोड करना है एक फ्री शॉर्टकट जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इस शॉर्टकट का नाम है बैटरी स्टैट्स, और आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, और इसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपके आईफोन की सही बैटरी कंडीशन क्या है। तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे जान सकते हैं अपने आईफोन की सही बैटरी कैपेसिटी या बैटरी हेल्थ। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप जानना चाहते हैं अपने आईफोन की सही बैटरी कंडीशन, तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है जिसका नाम है शेयर आईफोन एंड वॉच एनालिटिक्स, ये वाला ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा, और 2 या 3 दिन के बाद आप यूज कर सकते हैं इस शॉर्टकट को जिसको हमने डाउनलोड किया था। इसके बाद हमें जाना है एनालिटिक्स डेटा पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी लेटेस्ट डेट है। फॉर एग्जाम्पल आज 31 जनवरी है, तो यहाँ पे 31 जनवरी का एक फाइल बन चुका है जिसको हमें सेलेक्ट करना है, और उसके बाद प्रेस करना है शेयर बटन पे, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो शॉर्टकट आ गया है जिसको हमने डाउनलोड किया था। क्लिक करेंगे बैटरी स्टैट्स पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिटेल्ड रिपोर्ट मेरे बैटरी के बारे में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मैक्सिमम कैपेसिटी। मेरे आईफोन 14 प्रो की मैक्सिमम कैपेसिटी है 3345 mAh। इसके नीचे वाला पॉइंट बताता है कि करंटली मेरे आईफोन की बैटरी कैपेसिटी क्या है। करंटली ये है 3226 mAh। इसके नीचे वाला पॉइंट बताता है कि करंटली मेरे आईफोन की बैटरी कैपेसिटी क्या है। करंटली ये है 3226 mAh। इसके नीचे आप देख सकते हैं साइकिल काउंट, यानी कि कितने चार्जिंग साइकिल्स हो चुके हैं मेरे आईफोन पे, और नीचे आप देख सकते हैं करंट बैटरी कैपेसिटी, जो कि 100% नहीं है, वो करंटली है 96.44%। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सेटिंग्स ऐप में हमको बैटरी कैपेसिटी 100% नजर आ रही है, जबकि जो एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 96% है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आपको जाननी चाहिए वो ये है कि हर एक आईफोन अलग होता है। हर एक आईफोन की जो बैटरी कैपेसिटी होती है, यानी कि जो mAh वैल्यू होती है, वो अलग होती है, वो सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरे आईफोन 14 प्रो का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था वो था 3345। हो सकता है कि किसी और आईफोन 14 प्रो पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो इससे ज्यादा हो या इससे कम हो। तो अगर आप एक गूगल सर्च करते हैं कि आईफोन 14 प्रो का जो मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी क्या है, तो आपको नजर आएगा 3200 mAh, जो कि मेरे आईफोन के मैक्सिमम कैपेसिटी से काफ़ी कम है। तो एप्पल क्या करता है, एप्पल एक एवरेज नंबर निकाल लेता है अलग अलग आईफोन 14 प्रो के मॉडल्स के हिसाब से, और एक स्टैंडर्ड नंबर दे देता है कि आईफोन 14 प्रो पे एट एन एवरेज 3200 mAh की बैटरी है। इसके साथ एप्पल का ये कहना है कि जब भी आप कंप्लीट करेंगे 500 चार्जिंग साइकिल्स अपने आईफोन पे, तो उसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 80% हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल मैथ करें कि 500 साइकिल्स पे अगर बैटरी कैपेसिटी 80% हो जाती है, तो मेरे यहाँ पे 125 साइकिल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली जो बैटरी कंडीशन होनी चाहिए वो 95 to 96% होनी चाहिए।
तो घूम फिर के हम उसी बात पे आ जाते हैं कि क्यों मेरे आईफोन ने बैटरी कैपेसिटी 100 दिखाई। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जो मेरा करंट आईफोन का बैटरी कैपेसिटी है वो है 3226 mAh, जबकि जो एप्पल कम्युनिकेट करता है जो एवरेज mAh वैल्यू है वो है 3200। तो अगर हम डिवाइड करें 3226 को 3200 से, तो जो आंसर आता है वो 100% से ज़्यादा ही आता है। तो इसीलिए एप्पल जो है 100% दिखाता है बैटरी कैपेसिटी हमारे आईफोन पे। और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊँगा बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।